एक ऐसा जबरदस्त कोर्ट केस जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि कौन सही है और कौन गलत। दो वकील इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये फैसला किसके हक में जाएगा ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस केस के एंड में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एबिन नाम के लॉयर से। एबिन एक प्रोफेशनल लॉयर है, लेकिन उसके पास कुछ ज्यादा केसेस नहीं आ रहे थे। तभी एबिन के किसी दोस्त के जरिए उसे कैसे भी करके एक क्लाइंट मिल जाता है। और अब एबिन इतना तो होशियार है कि वो किसी का भी केस लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एबिन के पास तो क्लाइंट को बिठाने के लिए ऑफिस तक नहीं है, इसलिए वो अपने लॉयर फ्रेंड सतीश को कॉल करता है और उसे कहता है कि अरे यार, कुछ टाइम के लिए मुझे अपना ऑफिस दे दे, जहाँ पर मैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर पाऊँ। और उसका दोस्त सतीश भी इसके लिए मान जाता है। इसी तरह से जरूरत पड़ने पर एबिन अपने दोस्त सतीश का ऑफिस यूज करता है और अपना काम चलाता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं माधवी नाम की एक लड़की को, जो कि एबिन की बेस्ट फ्रेंड है और ये भी एक लॉयर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माधवी एक दूसरी बड़े लॉयर के अंडर काम करती है, जहाँ पर वो उसी बड़ी लॉयर के सभी क्लाइंट्स को हैंडल करती है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि माधवी और एबिन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने किसी से भी अपने दिल की बात नहीं शेयर की। उसके बाद हम देखते हैं एबिन अपने घर पर होता है, तो उसका जीजा उसे कहता है कि मैंने इस बार जोसेफ नाम के एक पॉलिटिशियन को फंडिंग की है, और अगर सब कुछ सही रहा तो वो मिनिस्टर बन जाएगा और फिर मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसके बाद एबिन, मैं तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दूंगा। लेकिन इस बात पर एबिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके अगली सुबह हम देखते हैं माधवी अपनी बॉस के क्लाइंट की हियरिंग के लिए कोर्ट में पहुंचती है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होने की वजह से उसके क्लाइंट को बेल नहीं मिल पाती, जिस वजह से उसे बहुत डांट भी खानी पड़ती है। और फिर माधवी ये फैसला करती है कि अब बस, अब मैं ये जॉब छोड़कर खुद इंडिपेंडेंट लॉयर बनकर काम करूंगी। माधवी ये सब बातें अपने दोस्त सतीश और एबिन को बताती है, और वो सतीश से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऑफिस है जिसे मैं रेंट पर ले सकूं? इस पर सतीश कहता है कि है तो सही, लेकिन इस वक्त एबिन भी मेरे उस ऑफिस में काम कर रहा है। अब इस ऑफिस के चक्कर में एबिन और माधवी के बीच बहस शुरू हो जाती है। अब इन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर सतीश उन दोनों को आइडिया देता है कि तुम दोनों सेम ही ऑफिस ले लो और एक साथ उसमें काम करो, इससे तुम्हारा रेंट भी आधा हो जाएगा। अब ये आइडिया उन दोनों को भी पसंद आता है और फिर दोनों ही सेम ऑफिस लेकर अपना काम शुरू कर देते हैं। अब इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आता है, इसलिए अब ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद इन दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिलती है और शादी भी फिक्स हो जाती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं एबिन का जीजा जॉर्ज उसे लेकर उसी मिनिस्टर के पास जाता है जिसे उसने फंड किया था। वो अब MLA यानी कि मिनिस्टर बन चुका है। अब यहाँ पर उसका जीजा जॉर्ज उस मिनिस्टर से एबिन के लिए काम मांगता है, जिस पर वो मिनिस्टर एबिन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट दे देता है, यानी कि अब वो एक गवर्नमेंट लॉयर है और वो स्टेट और पब्लिक की तरफ से कोर्ट में लड़ेगा। अब एबिन भी खुशी खुशी अपने काम के पहले दिन ऑफिस में पहुंचता है और उसके पहुंचते ही तुरंत ही उसके पास एक केस भी आ जाता है। तभी एबिन को माधवी का कॉल आता है, लेकिन वो केस के लिए जल्दी में था, इसीलिए वो उसका कॉल उठा नहीं पाता। अब एबिन वहां से सीधा कोर्ट रूम में आ जाता है, लेकिन यहां पर आने के बाद उसे लगता है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके अपोजिशन में जो लॉयर केस लड़ रही है वो और कोई नहीं बल्कि माधवी ही है, और शायद माधवी ये बात पहले से जानती थी, इसीलिए वो केबिन को कॉल करके बताना चाहती थी। खैर, अब यहाँ पर माधवी जज को केस एक्सटेंड करती है और कहती है कि मेरे क्लाइंट गौतम के ऊपर फेक रेप का केस डाला गया है। दरअसल दोस्तों, ये केस गौतम और उसकी बेस्ट फ्रेंड अनुष्का के बीच होता है, जहाँ पर अनुष्का का कहना ये था कि गौतम ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और अब वो शादी करने से मुकर रहा है।
यहाँ गौतम की तरफ से माधवी केस लड़ रही होती है और अनुष्का की तरफ से एबिन। अब यहाँ पर एबिन जज साहब को कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने अभी तक ये केस स्टडी नहीं किया है, इसलिए मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं इस केस को अच्छी तरीके से स्टडी कर पाऊँ। हालांकि यहाँ पर माधवी अनुष्का के केस को अगली डेट ना देने के लिए जज से काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एंड में ये केस एक्सटेंड हो ही जाता है ताकि एबिन इस केस को अच्छी तरीके से पढ़ पाए। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एबिन और माधवी एक साथ बैठे होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि कैसे हम कंफर्टेबल होकर एक दूसरे के खिलाफ इस केस को लड़ेंगे, और ये उनका पहला केस होता है। अब वहाँ पर उस वक्त उन दोनों का दोस्त सतीश भी होता है, जो उन दोनों को एडवाइस देता है कि तुम केस को अपनी पर्सनल लाइफ में मत आने दो, केस को लड़ते वक्त तुम भूल जाओ कि तुम दोनों कौन हो और प्रोफेशनल लॉयर की तरह अपना केस लड़ो, बाकी जैसे ही कोर्टरूम से बाहर आओ तो आराम से अपने नॉर्मल लाइफ जियो। अब सतीश की ये सलाह सुनकर वो दोनों थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। अब उसके बाद एबिन अनुष्का से मिलने के लिए जाता है ताकि वो इस केस के बारे में पूरी तरीके से जान पाए। वो अनुष्का से पूछता है कि तुम दोनों आखिरकार कैसे मिले थे। अनुष्का कहती है कि मेरे रूममेट सायरा का बेस्ट फ्रेंड था गौतम, और वो एक कंपनी में जॉब करता था। सायरा ने फिर मेरा रिज्यूमे गौतम को दिया और उससे मुझे गौतम की कंपनी में जॉब मिल गई। मेरा काम था गौतम को असिस्ट करना, और इस वजह से हम दोनों कब करीब आ गए ये मुझे पता ही नहीं चला। मैं गौतम से प्यार करने लगी थी और उसकी बातों से मैं श्योर हो गई थी कि वो भी मुझसे प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए मैं गौतम के घर पर गई थी और उस रात हम दोनों अकेले थे। उसी रात एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर हम दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और फिजिकल हो गए। लेकिन जब मैंने सुबह गौतम से बात की तो उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, और उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता और शादी भी नहीं करना चाहता। अब ये बात सुनकर एबिन फिर अनुष्का से पूछता है कि क्या गौतम ने कभी तुम्हें ऐसा कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है। इस पर अनुष्का जवाब देती है कि उसने वैसा स्ट्रेट तो नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातों से मैं श्योर थी कि वो मुझसे प्यार करता होगा। यहाँ तक कि हमारे ऑफिस के सभी लोग यही मानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। खैर, अब दूसरी तरफ हम माधवी को देखते हैं, जो गौतम से इस केस के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर गौतम भी माधवी को सेम टू सेम वही स्टोरी बताता है जो अनुष्का ने एबिन को बताई थी, लेकिन यहाँ पर गौतम ये बताता है कि मैंने कभी भी अनुष्का से प्यार नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उसे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानता था। उस रात हम दोनों ने शराब पी ली थी और नशे में खुद से कंट्रोल कब हो गया ये हमें पता ही नहीं चला, इस वजह से हम दोनों फिजिकल हो गए, लेकिन हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करता, और अब अनुष्का और उसके फादर मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है कि ये दोनों अपने अपने जगह पर बिल्कुल भी सही है। अब आपको कौन सही लगता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन आगे की कहानी भी सुनिए। आगे एबिन को अनुष्का के फादर से ये बात पता चलती है कि अनुष्का ने इस इंसिडेंट के बाद अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसी समय पर उसे बचा लिया गया। अब उसके नेक्स्ट ईयर में एबिन अनुष्का को जज के सामने अपनी पूरी कहानी बताने के लिए कहता है। अनुष्का भी बिल्कुल भी वैसा ही करती है। फिर एबिन जज को अनुष्का और गौतम के चैट्स, गौतम ने अनुष्का को दिए गए गिफ्ट और उनके फोटोज को दिखाता है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि गौतम और अनुष्का कितने क्लोज थे, और कोई अननोन पर्सन भी ये कह सकता था कि ये दोनों प्यार में हैं। एबिन यहाँ पर अनुष्का की उस दिन की ड्रेस भी दिखाता है जिसके बटन टूटे हुए थे, और वो ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि उस दिन गौतम ने अनुष्का के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसीलिए ये बटन टूटे हुए है। अब उसके बाद बारी आती है माधवी की। माधवी कहती है कि अनुष्का खुद भी अपने कपड़ों के बटन तोड़ सकती है, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि गौतम ने उसके साथ जबरदस्ती की है। अब यहाँ पर जज इन दोनों की बातों को सुनकर उसे नोट कर रहे थे और इस केस को उस दिन के लिए खत्म करके नेक्स्ट डेट दे देते हैं। अब यहाँ पर माधवी और एबिन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक साथ नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके आगे जब घर पर माधवी अपने कपड़ों को देखती है तो उसके बटन टूटे हुए होते हैं। फिर माधवी इसे एबिन को दिखाकर कहती है कि देखो, सिर्फ जबरदस्ती करने से बटन नहीं टूटते, बटन्स अपने आप ही टूट सकते हैं। जिस पर एबिन उसे कहता है कि अरे, तुम रूल्स भूल गई हो क्या, हमने रूल्स बनाया था कि कोर्ट की बात घर पर नहीं करेंगे। अब ये बात सुनकर माधवी भी बटन वाली बात वहीं पर भूल जाती है। अब सतीश जब एबिन से मिलता है तो वो उसे पूछता है कि माधवी और तुम्हारे बीच जो प्रॉब्लम चल रही थी, क्या अब वो सब कुछ सेटल है। जिस पर एबिन बताता है कि दो दिन पहले मेरे जीजा ने माधवी को कॉल किया था
और वो उसे केस लड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन माधवी ने वो केस लड़ने से साफ मना कर दिया और इस बात से मेरे जीजाजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एबिन आगे ये भी कहता है कि मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन इस वजह से हम दोनों में ही बहस हो गई। अब ये बात सुनकर सतीश उसे कहता है कि गलती से भी कोर्ट और केस को अपने रिलेशनशिप के बीच में मत आने दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसके बाद एबिन अपने जीजा को डिनर पर बुलाता है ताकि वो अपना गुस्सा शांत कर सके, लेकिन यहाँ पर तो उसका जीजा माधवी को ताना मारते हुए कहता है कि एबिन तुम्हें इस केस को जीतना ही होगा, वरना सब लोग क्या कहेंगे कि तुम अपनी बीबी से हार गए। अब ये बात माधवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद इयररिंग फिर से शुरू हो जाती है और इस बार विमल को बुलाया जाता है। विमल अनुष्का और गौतम का कलीग होता है और उस दिन वो भी प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए गौतम के घर पर आया था, लेकिन वो काम करने के कुछ देर बाद प्रोजेक्ट डिस्कस करके वहाँ से चला भी गया था। अब यहाँ पर एबिन विमल से पूछता है कि क्या गौतम ने अनुष्का को कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। विमल जवाब देता है कि अनुष्का तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, लेकिन उस दिन गौतम के कहने पर उसने पी ली थी। विमल आगे ये भी बताता है कि उस दिन अनुष्का दो पैक लगाने के बाद रुक गई थी और ज्यादा नहीं पीना चाहती थी, लेकिन गौतम ने उसे बार बार पीने के लिए कहा, जिस वजह से उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अब विमल के इस बयान के बाद एबिन जज से कहता है कि माय लॉर्ड उस दिन अनुष्का पीना नहीं चाहती थी, लेकिन गौतम ने तो मन में पहले ही सोच लिया था कि अनुष्का के साथ जबरदस्ती करनी है, इसलिए उसने अनुष्का को जबरदस्ती ड्रिंक करने पर मजबूर किया। अब उसके बाद माधवी की बारी आती है, वो विमल से पूछती है कि क्या वो ड्रिंक्स गौतम खरीद कर लाया था, जिस पर विमल कहता है कि मैंने ही अनुष्का को उसके हॉस्टल से पिकअप किया था और आते वक्त अनुष्का ने ही ड्रिंक्स खरीदी थी। फिर माधवी विमल से एक और सवाल पूछती है, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर तुमने अनुष्का को हॉस्टल से पिकअप किया था तो तुम्हें उसे उसके हॉस्टल छोड़ देना चाहिए था, तुम तो उसे अकेले अपने कलीग के घर पर छोड़कर आ गए। जिस पर विमल जवाब देता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं घर पर जा रहा था तब मैंने अनुष्का से कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन अनुष्का ने मुझे कहा कि मैं बाद में चली जाऊंगी, इसलिए मैं वहाँ से अकेला चला आया। अब ये जानने के बाद माधवी जज से कहती है कि माय लॉर्ड अनुष्का ने खुद ही ड्रिंक खरीदी थी, यानी कि ड्रिंक पीने का उसका मन था, और अगर गौतम ने प्लान बनाया था कि वो अनुष्का को ड्रिंक पिलाएगा तो वो खुद से ड्रिंक खरीद कर रख सकता था, ना कि अनुष्का वहाँ पर ड्रिंक खरीद कर ले आती। साथ में यहाँ पर माधवी ये भी कहती है कि अनुष्का ने खुद विमल से कहा था कि मैं बाद में हॉस्टल चली जाऊंगी, इसलिए साफ है कि अनुष्का वहाँ पर गौतम के साथ रुकना चाहती थी, लेकिन गौतम का ऐसा कोई प्लान नहीं था। अब यहाँ पर ऐसे ही खतरनाक डायलॉग बाजी चलती है और फिर जज दोबारा इस केस को एक्सटेंड कर देते हैं और आज की प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एबिन और माधवी के मन में अब तक केस की बात चल रही थी। दोनों ही कोर्टरूम से बाहर निकलते वक्त एक दूसरे पर काफी गुस्सा होते हैं और इस केस को अपने पर्सनल लैब से जोड़ देते हैं। अब ये बात जब सतीश को पता चलती है तो वो उन दोनों को डिनर पर बुलाता है ताकि वो उनके बीच चल रहे झगड़े को सुलझा सके, लेकिन यहाँ पर आने के कुछ देर बाद वो दोनों जज की बातों को लेकर बहस करने लगते हैं और ये बहस बढ़ते बढ़ते गौतम और अनुष्का के केस तक पहुँच जाती है। यहाँ पर माधवी अपने क्लाइंट गौतम के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी क्योंकि गौतम उसकी फैमिली से है और वो उसे अपना भाई मानती है। यहाँ पर एबिन भी यही मान रहा था कि अनुष्का के साथ गलत हुआ है, इसीलिए वो अनुष्का को पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा और इस केस की वजह से अब इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से सीरियस होकर कहते हैं कि अब तो मैं इस केस को जीत कर ही रहूंगा, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं वापस से केस की हियरिंग शुरू हो जाती है और इस बार गौतम के घर पर काम करने वाली मेड को बुलाया जाता है। माधवी उस मेड से पूछती है कि उस दिन सुबह तुमने क्या देखा था, तुम बिना घबराए हुए साफ साफ जज साहब को बता दो। उसके बाद वो मेड कहती है कि उस दिन सुबह जब मैं काम करने के लिए आई थी तो मैंने देखा कि गौतम और अनुष्का ये दोनों ही खुशी खुशी घर से बाहर जा रहे हैं। तब माधवी पूछती है कि क्या अनुष्का के कपड़े उस वक्त फटे हुए थे। मेड कहती है कि नहीं, उसके कपड़े तो सही सलामत थे। अब उसके बाद एबिन मेड से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि अनुष्का के कपड़े फटे हुए थे या फिर नहीं, जबकि उस वक्त अनुष्का ने शॉल लपेटा हुआ था। अब ये बात सुनकर वो मेड भी थोड़ा हड़बड़ा जाती है। फिर एबिन उसे पूछता है कि क्या माधवी ने तुम्हें ये सब कुछ कोर्ट में बोलने के लिए कहा था, और मेड यहाँ पर हाँ में जवाब देती है, यानी कि माधवी ने पहले से मेड को सेट करके रखा था।
और उसे कोर्ट में ऑलरेडी क्या क्या बोलना है ये पता कर रखा था। अब उसके बाद जज को ये चीज पता चलती है तो वो माधवी को काफी ज्यादा सुनाते हैं और उसे लास्ट वार्निंग देकर इस केस की अगली डेट दे देते हैं। अब उसके बाद ये पूरा का पूरा केस आखिरी गवाह यानी कि सारा पर टिका हुआ है, क्योंकि वही इन दोनों के बीच की कॉमन फ्रेंड थी और उसका बयान जिसके हक में जाएगा उसके केस जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए अब केबिन पहले सारा से मिलने के लिए जाता है और उसे समझा देता है कि कोर्ट में क्या क्या और कैसे बोलना है। यहाँ पर दूसरी ओर माधवी भी गौतम से कहती है कि तुम्हें सारा से बात करनी चाहिए ताकि वो हमारे हक में जवाब दे, लेकिन इस बात पर गौतम मना कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। गौतम माधवी से कहता है कि मुझे पहले से पता था कि अनुष्का मुझसे प्यार करती है और ये बात मुझे सारा ने ही बताई थी, इसलिए वो मेरे हक में जवाब नहीं देगी। अब ये बात सुनकर माधवी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद गौतम आगे ये कहता है कि मैं ये सारी चीजें सिर्फ एंजॉय कर रहा था और उस रात जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपने मन से नहीं किया था बल्कि नशे की हालत में मुझसे हो गया था। लेकिन फिर भी माधवी गौतम को समझाते हुए कहती है कि लेकिन यहाँ पर तुम्हारी ही गलती है गौतम। उसके बाद माधवी यहाँ पर होप करती है कि बस ये केस वो जीत जाए, क्योंकि गौतम को सारा से ये बात पता चल चुकी थी कि अनुष्का गौतम से प्यार करती है और फिर भी उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर अब उसके बाद हम देखते हैं अगली डेट को सारा को कोर्ट में बुलाया जाता है और उसका बयान लिया जाता है। यहाँ पर पहले तो सारा अनुष्का के हक में ही बोलती है, लेकिन जब उससे केबिन ये पूछता है कि क्या गौतम को पता था कि अनुष्का उससे प्यार करती है, तो सारा जवाब देती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इस तरह से सारा यहाँ पर झूठ बोलती है और न्यूट्रल रहकर वो इस सवाल को टाल देती है। अब जज सभी से कहते हैं कि इस केस की सारी प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है और अगली डेट को इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। उसके बाद एबिन यही सोचने लगता है कि सारा ने सच क्यों नहीं बोला और फिर वो अनुष्का से पूछती है कि क्या तुमने सारा को कुछ बोलने से मना किया था, क्योंकि माधवी भी उस समय शॉक थी जब सारा ने झूठ बोला था। अब यहाँ पर अनुष्का एबिन से कहती है कि हाँ मैंने ही उसे सच बताने से मना किया था, मैं अभी भी गौतम से प्यार करती हूँ और मैं कैसे उसको जेल जाते हुए देख सकती हूँ, ये केस जीत कर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। इतना कहते हुए अनुष्का जोर जोर से रोने लगती है। अब यहाँ पर एबिन भी समझ जाता है कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे हरा कर हम भी खुश नहीं रह सकते। माधवी और एबिन भी एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। पिछले कुछ समय से उन दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी, लेकिन इससे होता क्या, बस उन दोनों में दूरियां ही बढ़ जाती। अब एबिन उस दिन घर जाता है और माधवी को सॉरी कहकर गले लगाता है। उसके बाद वो दोनों भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पर इनका झगड़ा खत्म हो जाता है। अब अगले दिन इसका फैसला आता है। पहले माधवी जज के सामने आकर कहती है कि हमारे लॉयर में बहुत सारे लॉ सिर्फ औरतों के फेवर में है जिसका कई औरतें फायदा उठाती है और अनुष्का भी उसमें से ही एक है। उसके बाद एबिन भी जज के सामने आकर कहता है कि ये फैसला सिर्फ अकेले अनुष्का की जिंदगी को नहीं बदलेगा बल्कि उसके जैसी कई सारी लड़कियों की जिंदगी बदलेगा जिनके साथ गलत होता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर जज उन दोनों की बातों को सुनकर अपना फैसला सुनाते हैं और यहाँ पर फैसला जाता है अनुष्का के हक में, जिसके बाद गौतम को 10 साल की सजा सुनवाई जाती है और 50,000 का जुर्माना भी भरना होगा। हालांकि ये बात सुनकर अनुष्का बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ पर गौतम भी अपनी गलती पर रोने लगता है। जिसके बाद एबिन और माधवी कोर्ट रूम से बाहर आते हैं और माधवी एबिन से कहती है कि हमें इस केस को सिर्फ केस तक ही रखना चाहिए, जिस बात पर एबिन भी पूरी तरीके से सहमत हो जाता है। लेकिन दोस्तों एंड में माधवी कहती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मूवी के एंडिंग में हम एबिन और माधवी को हाई कोर्ट में देखते हैं, वो अब इस केस को हाई कोर्ट में लड़ेंगे और यहाँ पर ये कहानी एंड हो जाती है। और दोस्तों ये कोर्ट ड्रामा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।